हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चे, टीम अइप्सा जो है एग्जाम सीरीज लेके आई है। इस एग्जाम सीरीज के अंदर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डील कर रहे होंगे, ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ रहे होंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के जो है अकॉर्डिंग आ रहे होंगे। बच्चे मैं जैसे कि मैं आपको बोलूं, सिंपल सी बात है बच्चा, ऐसे टॉपिक्स हम लोग यहां पे कवर करेंगे, ऐसे कंसेप्ट कवर करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिर्फ बेटा ये जो सीरीज है एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है, ये पूरा कंसेप्ट जो है सीरीज नहीं है बेटा, ये पूरा चैप्टर वाइज सीरीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्स को फोकस करके ये बनाया गया सीरीज है बच्चे। तो आप लोग इसको जो है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। तो बच्चे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस एग्जाम सीरीज को फॉलो करने से क्या सर हमारे अच्छे नंबर आ पाएंगे, तो बिल्कुल बच्चे अच्छे नंबर आएंगे। और अच्छे नंबर लाने की जिम्मेदारी जो हमारी टीम अइप्सा की है, वो जो है ऑफलाइन के बेटा टीम अइप्सा की जो ऑफलाइन की बेस्ट फैकल्टी है, वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर सारे जो है सारे टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ यहां पे कराने वाले हैं। तो आप लोगों को बेटा निश्चिंत रहना है, ये सीरीज है इसको पूरा फॉलो करते रहना है। तो जैसे कि बच्चे आप लोगों को पता है, मैं जो कक्षा 12वीं का जो रसायन विज्ञान है केमिस्ट्री है, ये मैं यहां पे डील करने वाला हूं, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 जो हमारा हलवा चैप्टर है ठोस अवस्था, वो हम लोग कर रहे थे बेटे। इसके अंदर मैंने ना लास्ट के 3 लेक्चर जो है कवर कर चुके हैं। 3 लेक्चर के अंतर्गत बच्चे अपन ने जो है पूरा इसके बेसिक से सारे उसके बेसिक से बेटा ठोस अवस्था के वो बेसिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा क्या था हमारा, एससीसी बीसीसी स्ट्रक्चर और चतुष्फल की रिक्तियां। हालांकि बच्चे चतुष्फल की रिक्तियां जो वीडियो था वो थोड़ा लंबा चला गया था, ठीक है थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन हमको उसके सारे बारीकियों को भी समझना जरूरी था। इसलिए बच्चे वो वीडियो को आप लोग निश्चित देखिएगा, और वहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे क्वेश्चंस वहां से आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चा, वो वीडियो जो है देखा है, और जो बच्चा वीडियो देख के नहीं आया है तो ये फ्रैंकल ड्यूटी है आज जो करने वाले दोस्त है, ठीक है जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे समझने में उसको थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या कहिए सबसे पहले बच्चा, वो जो है चतुष्फल की और अष्टफल की जो थी रिक्तियां जो थी उसको आप लोग पहले कवर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे समझ आए। आज बच्चे हम लोग जो है सबसे मस्त स्टार्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बच्चा हमारा जो है फ्रैंकल ट्रुटी और शॉर्टकी ट्रुटी होने वाला है। कौन सा बच्चा, फ्रैंकल ट्रुटी और शॉर्टकी ट्रुटी, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे, दोस्त भी बोलते हैं ट्रुटी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे बच्चों को क्लियर है। अब देखो यहां पर अपन बात करते हैं सबसे पहले जो है ठोसों में ये अपूर्णता डिफेक्ट कैसे होती है सर, ठीक है। हम बात कर रहे थे रिक्तियां पहले जाने थे, सबसे पहले अपन ने बात किया था बेटा स्ट्रक्चर के बारे में, बात किया था कि एससीसी स्ट्रक्चर बीसीसी स्ट्रक्चर एफसीसी स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसके बारे में बात किया। उसके बाद सर हम लोग ये बात किया था कि संकुलन क्षमता क्या होती है, उसी संकुलन क्षमता के हिसाब से अपन रिक्तियों के बारे में बात किया हुए थे कि रिक्तियां कैसे जनरेट होती है, रिक्तियां कैसे बनती है। उसी रिक्तियों में हम लोग आगे उसके जो है बात किए हुए थे चतुष्फल की रिक्तियां क्या होती है, अष्टफल की रिक्तियां क्या होती है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अपन ये पढ़ने वाले हैं अब कि ठोस की जो डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठोस के अंदर जो है उसमें अपूर्णताएं कैसे कैसे होती है, कौन कौन से तरीकों से जो है उसमें डिफेक्ट्स जो है उत्पन्न होते हैं, ये सारी चीजें अपन यहां बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा ठोसों में जो अपूर्णता होती है उसको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, कितने बच्चे 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला जो कैटेगरी होने वाला है रस समीकरण मिति के हिसाब से, क्या बच्चे रस समीकरण मिति, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में, थोड़ा सा बोलने में, उच्चारण करने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये आपको याद तो करना नहीं है, ठीक है। तो सिंपल आप लोग पढ़ लेना, क्या बच्चा रस समीकरण मिति के अनुसार से इसको हम लोग 2 तरीकों में बांट सकते हैं बेटा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, अब वापस सुनो, ये जो टॉपिक आज कराने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वापस से मैं बात करूंगा बच्चे शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बारे में यहां पर बात करेंगे। उसके बाद बच्चे ठीक है क्या होता है असमीकरण मिति के अनुसार से हम लोग 2 तरीकों भी इसको कैटेगरीज कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला जो होगा धातु आधिक्य के हिसाब से, दूसरा जो होता है बेटा धातु न्यूनता के हिसाब से, धातु में कमी होती है ना उसके हिसाब से बांट सकते हैं। सारे बच्चे को क्लियर हुआ। उसके बाद बेटा हम अशुद्धि दोष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है अशुद्धि दोष के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूं, बता देता हूं, ठीक है कि हम लोग बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बोर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चे, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल ट्रुटी। तो मैं यही 2 चीजें आपको जो है कवर कराऊंगा इस वीडियो में, बच्चे यही 2 चीजें यहां पे हम कवर करेंगे। बाकी के जो धातु आधिक्य धातु न्यूनता है अशुद्ध दोष है ये मैं यहां पे नहीं कवर करूंगा। क्यों नहीं कवर करूंगा सर, क्योंकि ये ना बच्चे ये जो टॉपिक है आपके लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी बच्चों को जो है एकदम पूरे सारे नॉलेज लेना है, ठीक है अभी फिलहाल 12th के पहले बच्चों को मैं जो है एडवाइस देना चाहूंगा, आप लोग के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि सारे नॉलेज अभी ले पाओ, ठीक है। तो जो बच्चा अभी नया होगा 11th क्लास में होगा, अगर किसी कक्षों को उस बच्चों को थोड़ा सा जाग रहा होगा, ठीक है थोड़ा सा भावनाएं जाग रही होगी कि सर क्या सर मैं आपके साथ पढ़ सकता हूं, तो बिल्कुल सर बिल्कुल बच्चे
आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। कैसे जुड़ोगे मेरे साथ पढ़ने के लिए? आप बच्चे गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से अल्पसा का ऐप होगा, उसको डाउनलोड कीजिए, क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और वहां से बच्चे रसायन विज्ञान का बेटा मेरा वीडियोस आएंगे वहां से, उस जरिए से, ठीक है, उस वीडियो के जरिए से हम दोनों जो है क्या कर सकते हैं बेटा, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, मेरे वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो। ठीक है बच्चे, समझ आए? तो अपन क्या बात करेंगे, शॉटकी दोस्त और फ्रैंकल दोस्त के बारे में यहां पे बात कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से समझना, ठीक है, हमारा जो आज का जो टॉपिक होने वाला है बेटा, वो हो रसगुल्ला टॉपिक होने वाला है, जो कि चार नंबर आपको देने वाला है। क्या बच्चे? चार नंबर देने वाला है। अगर आप दो टॉपिक और अच्छे से कर लो बेटा, शॉटकी दोस्त, फ्रैंकल दोस्त, चतुष्फल क्रिया, अष्टु अष्टफल की रिक्तियां, ये चार टॉपिक अगर आप पढ़ ले तो आपको चार नंबर देने की शक्ति रखते हैं। बहुत इजी है, मक्खन करा के मैंने जो चतुष्फल की रिक्तियां अष्टफल की रिक्तियां पढ़ाई हुई है। अब बात करेंगे बेटा शॉटकी दोस्त और शॉटकी दोस्त और फ्रैंकल दोस्त के बारे में यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले शॉटकी दोस्त के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा रसगुल्ला चैप्टर, रसगुल्ला चैप्टर बोलूंगा, रसगुल्ला हम क्या बोल सकते हैं, रसगुल्ला टॉपिक बोल सकते हैं। ठीक है, रसगुल्ला टॉपिक के बारे में बात करूंगा, ध्यान समझना बच्चे। ठीक है, शॉटकी दोस्त क्या होता है? शॉटकी दोस्त में ना बच्चे क्या होगा, शॉटकी दोस्त में इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर मिलो, अगर सिंपल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं बच्चा आपको समझ आया होगा। अगर जो है NaCl का स्ट्रक्चर मैं बना दूं, NaCl, ठीक है, NaCl का स्ट्रक्चर बना दूं, Na के अंदर, ठीक है, NaCl के अंदर Na प्लस चार्ज होगा, Na, अरे हाँ, Na प्लस चार्ज होगा और Cl माइनस चार्ज जो है मिक्स होके, कंबाइन होके, ठीक है, एक साथ बंद बना के क्या बनाएंगे बच्चा, NaCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं, हमको पता है ये सारी चीजें पता है। अब इमेजिन करो कि यही NaCl है आपके पास, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड को हमको क्या करना है बेटा, डिफेक्ट निकालना है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स निकालनी है। प्रॉब्लम कैसे जनरेट होती है उसी के मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अगर बच्चे देखो ध्यान से, यहां पर मैं शॉटकी की बात करूं, किसकी? शॉटकी, ठीक है, शॉटकी दोस्त की मैं बात कर देता हूं सबसे पहले, शॉटकी दोस्त, ठीक है, शॉटकी दोस्त की मैं बात कर लेता हूं। देखो अब कई बच्चे को दिमाग में आ रहा होगा कि ये सर ये क्या बना दिए हो आप, ये क्या बना दिए हो, कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पढ़ा, तो अब उसी पल्ले को पढ़ाने के लिए बच्चा, ठीक है, अपन बात करेगा। देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर आखिर कैसे बनता है? Na क्या होता है बेटा? Na प्लस चार्ज होता है जो आपको दिख रहा है, Cl माइनस चार्ज होता है जो आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बच्चे मैं क्या कर दूं, जो हमारे पास जो बड़ा वाला जो होगा बेटा, जो बड़ा वाला जो सर्कल आपको दिखेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो Cl माइनस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मैं ओवरऑल इसको मैं Cl माइनस लिख सकता हूं सर, बिल्कुल बच्चे, ठीक है, ओवरऑल इसको मैं Cl माइनस कर देता हूं, ये लो Cl माइनस, ठीक है, माइनस चार्ज दिख रहा है, हमको पता है कि Cl कहां पे रहता है सर, Cl कहां पे रहता है, मैंने NaCl की स्ट्रक्चर में बताया हुआ है कि कोने पर एक घन के कोंटे पे क्या होता है बच्चा, Cl माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज यहां पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पे एक छोटा वाला जो बेटा एक सर्कल रिप्रेजेंट करूं, जो कि आपको क्या होता है बच्चा, ठीक है, घन में क्या होता है, केंद्र पर, किनारों के केंद्र पर मौजूद होता है Na, ठीक है, Na, अगर इस Na प्लस को मैं Na प्लस ना लिखकर सीधा सीधा प्लस चार्ज लिख दूं, सीधा सीधा प्लस चार्ज लिख दूं तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चों को नहीं होगी, ठीक है, समझ आया। अब देखो भैया ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, उसके बाद फिर से मेरे को क्या मिलेगा, माइनस चार्ज मिलेगा मेरे को, फिर से प्लस चार्ज मिलेगा, ठीक है, फिर से प्लस चार्ज इस तरीके से मेरे को मिलेगा, क्लियर सारे बच्चों को? अगर मैं नीचे इसे स्ट्रक्चर बना दूं, ऐसा स्ट्रक्चर नीचे बनाएंगे बच्चा, तो क्या होगा, ये देखो प्लस चार्ज, फिर मेरे को बड़ा वाला मिलेगा माइनस चार्ज, समझ आया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैंने पूरा का पूरा एक जाल बना लिया, क्या बना दिया, जाल बना दिया, जिसे हम क्रिस्टल जलक बोलते ना, वही जाल बना दिया। देखो बच्चे क्या है, वापस से देखो, शॉर्ट की दोस्त के अंदर पहले मेरे को Cl माइनस मिला, क्या है Cl माइनस मतलब माइनस चार्ज, उसके बाद प्लस चार्ज, फिर माइनस चार्ज, फिर प्लस चार्ज, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस, यही कही अपन ने, कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे बच्चे समझ पाए, ठीक है। अब देखो अगर हमारा शॉटकी दोस्त हुआ, इस शॉटकी दोस्त में अपन ने प्लस माइनस तो अरेंज कर लिया, ठीक है, माइनस प्लस करके अरेंजमेंट तो कर लिया, लेकिन यहां पर हमको जो समझने वाली जो बातें होती है वो ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको जो है लिखना होगा बोर्ड एग्जाम्स में, या फिर आपको याद कर सकते हो। देखो बच्चे एकदम जो है बहुत बेसिक है, बहुत अच्छी चीज है, मजा आएगा इसको करने में, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है बच्चे। अब देखो धनायन और ऋणायन क्या बराबर संख्याओं में क्रिस्टल को छोड़ देता है, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी बच्चे, कि धनायन जो होता है या फिर ऋणायन जो होता है, ठीक है, धनायन क्या होगा बेटा, ये धनायन, ठीक है, ये अगर प्लस चार्ज, बच्चा देखो ध्यान से, ठीक है, ये जो है प्लस चार्ज, कौन सा पेन ले लिया, रेड पेन, ठीक है। देखो अब बच्चे ये जो धनायन जो है, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा धनायन, ये धनायन अपने जगह छोड़कर, अपना जगह छोड़कर, ठीक है, जगह छोड़कर कहां चला जाएगा, भाग जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। अब इस धन के चक्कर में जो नेगेटिव चार्ज होगा, इस धन के, इस पॉजिटिव चार्ज के चक्कर में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो भी अपना जगह छोड़ के चला जाएगा भैया, क्या होगा, चला जाएगा, छोड़कर चला जाएगा, इस किसको, इस क्रिस्टल को छोड़कर चला जाएगा, समझ आया सारे बच्चों को, ठीक है, समझ आया, अगर नहीं समझ आया वापस से गजब तरीके से मैं एग्जाम्पल दूं,
मजा आएगा, ठीक है, ध्यान सुनना, मजा करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है बच्चा, देखो हाँ, एक और नया स्लाइड लेते हैं अपन यहाँ पे। देखो हमारे पास जो NaCl होता है, क्या होता है बच्चा, NaCl जो होता है, उस NaCl में क्या होता है बच्चे, NaCl है अपने पास, ये देखो NaCl है। ये NaCl बनता कैसे है, Na प्लस चार्ज और Cl के माइनस चार्ज से, ठीक है, बॉन्डिंग से बनता है। और इन दोनों के बीच में क्या बनता, कौन सा बंध बनता है बच्चा, आयोनिक बॉन्ड बन रहा होगा, क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है, आयोनिक बंध बनेगा। और हमको यह भी पता है सर कि आयोनिक बंध जो होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, आयनिक बन जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। तो भैया मैं सिंपल बात बोलूं कि Na एक प्लस चार्ज है, Cl माइनस चार्ज है, ठीक है, Na प्लस चार्ज, Cl माइनस चार्ज, इनके बीच में अगर इश्क मोहब्बत होने वाला है, ठीक है, प्यार होगा, तो वो जो प्यार होने वाला इनके बीच में वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो मजबूत होगा सर, तो इसको मेरे को जो है तोड़ने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात है, अगर Na प्लस का प्यार जो है Cl के पास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मोहब्बत जो है इनकी ज्यादा हो जाएगी, तो अगर ये छोड़ा, ये बोलेगा Na भैया चल अपन जाएंगे घूमने, Na बोलेगा क्या बोलेगा, अपन जाएंगे घूमने, तो Cl भी तो साथ में जाएगा, क्या करेगा, Cl भी साथ में जाएगा, ठीक है। अब इनकी दोस्ती, इनकी मोहब्बत जो है ज्यादा हो गई, तो दोनों जो है एक साथ ही छोड़कर चले जाएंगे। तो वही आप लोग इमेजिन करो भैया कि ये क्रिस्टल है अपना, सिंपल सा एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये करेगा घूमने जाएगा, ये भैया जाएगा गया घूम के, क्रिस्टल किसको छोड़ के, क्रिस्टल को छोड़ के। अब पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा, ये भी चला जाएगा साथ ही साथ, चल भाई दोनों घूमने जाएंगे करके, घूमने जाएंगे करके चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों के एक साथ छोड़ने पर क्रिस्टल में क्या होगा भैया, क्रिस्टल में खाली जगह बच जाएंगी, ठीक है। अब ये अपना जगह छोड़ के चला गया, ये नेगेटिव चार्ज अपना जगह छोड़ के चला गया, अब जगह छोड़ेगा तो कोई ना कोई इसको भरने के लिए आएगा, ठीक है, वो बात की बात भरने के आएगा। लेकिन हम पहली बात कर लेते कि ये जो जगह खाली होगी, क्योंकि बच्चे जगह खाली हो जाएगी, मतलब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव की कमी होने से उनके जो प्लस चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज, उसमें कमी आ जाती है, ठीक है, क्लियर बात, पहली बात समझे। अब देखो ये कमी कौन से ऐसे तत्वों में पाया जाता है जिसकी समन्वय संख्या उच्च होती है, ज्यादा होती है, ऐसे तत्वों के ऊपर बच्चा क्या होता है, ये जो शॉर्टकी दोष है वो पाया जाता है, जिसकी समन्वय संख्या ज्यादा होती है। और NaCl की समन्वय संख्या, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि NaCl का समन्वय संख्या क्या होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, वो वापस से प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि NaCl की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, क्लियर। अब देखो ये बच्चे क्या होते हैं, समन्वय संख्या, उच्च समन्वय संख्या वाले जो है तत्वों में पाया जाता है, जो कि होता है N6 या फिर 8 हो सकता है, क्लियर सारे बच्चों को। अब देखो धनायन तथा ऋणायन दोनों क्या होते हैं, बराबर संख्या में निकल जाते हैं, बराबर संख्या में निकल जाएंगे। अगर एक जो है Na निकलेगा तो उसके पीछे पीछे एक Cl निकल जाएगा, क्योंकि भैया उनके बीच में मोहब्बत ज्यादा है, सिंपल बात है। अब देखो अगर दो Na निकल रहा है तो दो Cl निकल जाएगा, ठीक है, दो Na निकला तो दो Cl निकल जाएगा। तो भैया दोनों क्या होने वाला है, धनायन और ऋणायन जो चार्जेस होंगे वो एक ही साथ निकलेंगे, बराबर संख्या में निकलेंगे, सारे बच्चों को समझ आया। अब देखो कि अगर मैं घनत्व की बात करूं, ठीक है, घनत्व की बात करूं तो घनत्व कैसे बात करेंगे, घनत्व क्या होता है, आखिर घनत्व क्या बोलते हैं, देखो बच्चे घनत्व की बात करूं तो डी इज इक्वल टू एम बाई वी होगा, क्या होगा बच्चे, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। अब देखो हमको सिंपल समझ आया कि भैया एक क्रिस्टल से ऋणायन और प्लस चार्ज, ठीक है, धनायन और भैया ऋणायन दोनों निकल जा रहे हैं, मतलब उसके द्रव्यमान में, उसके भार में कुछ ना कुछ कमी तो आएगी बच्चा, क्या होगा, कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो जब कमी आई तो भैया हम लिख देते हैं कमी, ठीक है, कमी आ गई। अब जब कमी आई, ठीक है, कमी आई तो बच्चा अपन क्या करेंगे, हमारा जो घनत्व था, ठीक है, घनत्व था वो भी कम हो गया। घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या ही बताएगा बच्चा, घनत्व बताता है भीड़, क्या बताता है, भीड़ को बताता है घनत्व, ठीक है, भीड़ को बताता है। तो समझो भैया ये हमारा क्रिस्टल है, यहां से Na प्लस चार्ज निकल गया, मान लो दो Na प्लस चार्ज निकल गया तो दो Cl चार्ज भी निकल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इसका घनत्व इस तरीके से एकदम कॉम्प्लेक्स हमको जाल मिल रहा है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स हमको जाल मिल रहा है, तो यहां से जब निकलेंगे चार्जेस तो इसमें भीड़ भी तो कम हो जाएगी, भीड़ कम हो जाएगी, भीड़ मतलब घनत्व कम हो जाएगा, सिंपल, रिलेट कर पाए, मजा आया। अब देखो शॉर्ट की दोस्तों अपन ये लिख लिया, ठीक है, शॉर्ट की दोस्तों हमको समझ आ गया सर। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखना है, इसमें जब बेटा घनत्व कम हो जाता है, डी इज इक्वल टू एम बाई वी, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसको आप लोग बेटा क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट करके रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट करके रखना है कि कौन सी चीज कौन सी जो है कम हो जाती है। अगर द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर सारे बच्चों को, क्लियर। ये जो है वापस से अपने कॉपी के अंदर जो है स्टार मार्क करके लिख लेना,
क्लियर। अब देखो ठीक है, ये घनत्व तो कम होगी सर, ठीक है निकल जाएगी, घनत्व कम हो जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स मेरे को बता दो। तो NaCl तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल है बच्चा आपके लिए, NaCl। उसी प्रकार से AgBr कर सकते हो, KCl कर सकते हो, CHCl कर सकते हो, KBr कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ठीक है। लेकिन NaCl एकदम मस्ट, एकदम गजब का एग्जांपल है भाई, फील दिलाता है NaCl ठीक है। क्या करता है? फील दिलाता है NaCl ठीक है। बच्चे समझ आए सारी बातें? क्या होता है ये पूरा का पूरा जो ओवरऑल प्रोसेस था वो क्या हो गया हमारा? शॉटकी दोष हो गया। सिंपल वापस रिपीट करता हूं, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम मजे से सुनना ठीक है। देखो शॉटकी दोष में क्या होगा बच्चे, आप इमेजिन करो एक NaCl है अपने पास, क्या है एक सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में Na जो प्लस चार्ज है, Cl माइनस चार्ज है। Cl को अगर दोस्ती करके जो है किसी और के साथ भागना है ठीक है, किसी और के साथ जाना है तो वो चला जाएगा, उसके पीछे भैया Na भी चला जाएगा। क्या करेगा NaCl? और उनके दो उन्हीं को जो है चले जाने से जो दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को अपन बोलेंगे शॉटकी दोष। समझ आया सबसे ठीक है। अब देखो यह हुआ शॉटकी दोष ठीक है। अपन बात करेंगे फ्रैंकल दोष के बारे में। दूसरा हमारा कौन रहेगा बच्चा? फ्रैंकल दोष। इस फ्रैंकल दोष में क्या होता है सर, मैं वापस से बताता हूं, मजा आएगा आपको देखना ठीक है। हमारे पास NaCl में वापस से एग्जांपल ले लेता हूं, NaCl ठीक है। अब इस NaCl में दूसरा कंडीशन, उसमें क्या था Na प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। अभी यहां पे Na जो प्लस चार्ज है और Cl माइनस चार्ज, यहां पे किसी की कोई दोस्ती नहीं है भैया, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता ठीक है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां पे देखो Na प्लस चार्ज जो है ना, अगर Na प्लस चार्ज जाएगा भैया घूमने, Na प्लस चार्ज जाएगा घूमने तो Cl माइनस चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलेगा भाई मैं तो रहूंगा, तुम जा लो घूम के आ जाओ। क्या बोलेगा? वो बोलेगा Cl माइनस चार्ज बोलेगा, क्या यहां पे Cl माइनस चार्ज कहेगा मेरा एग्जाम है बच्चा, क्या बोलेगा मेरा एग्जाम है, मैं नहीं जाएगा घूमने। और Na क्या हमारा थोड़ा सा दुष्ट प्राणी है भैया, ये जाएगा घूमने, इसको अभी भी मौज करनी है, एग्जाम सर पे है, मौज करनी इसको अभी भी ठीक है। तो क्या करेगा Na जो है घूमने चला जाएगा लेकिन Cl जो होगा नहीं जाएगा ठीक है। तो ये जो सेम कंसेप्ट आपको फ्रैंकल दोष में देखने को मिलेगा, वापस से समझाऊंगा, ध्यान समझना ठीक है। देखो यहां पे मेरे को क्या मिलता था, एक छोटा सा डब्बा, एक बड़ा डब्बा, एक छोटा गोला ठीक है, डब्बा नहीं गोला यार क्या बोल रहा हूं मैं भी ठीक है। ये देखो छोटा छोटा गोला ठीक है, उसके बाद छोटा गोला, उसके बाद बड़ा गोला, छोटा गोला ठीक है। देखो छोटा गोला, अरे हो जा भाई क्या हो गया ये ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बड़ा ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो बच्चा कि ये मेरा माइनस चार्ज था, यहां पे प्लस चार्ज मिलेगा, यहां पे माइनस चार्ज, यहां पे माइनस चार्ज, यहां पे मेरे को प्लस चार्ज ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनता जाएगा ठीक है, यहां पे माइनस चार्ज, यहां पे प्लस चार्ज, यहां पे माइनस चार्ज, यहां पे मेरे को मिलेगा माइनस चार्ज, यहां पे मेरे को जो प्लस छोटा सा प्लस चार्ज मिलेगा, फिर मेरे को जो है माइनस चार्ज मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर जैसा बन रहा था वैसे ही बनेगा वापस से ठीक है, वापस से वही रिपीट करना है भैया, अपन को कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है यहां पे ठीक है। अब देखो ठीक है, ध्यान से देखना, ये अपन को पूरा का पूरा ओवर स्ट्रक्चर दिखा, ये किसके लिए होगा? फ्रैंकल दोष के लिए। किसके लिए? फ्रैंकल फ्रैंकल दोष के लिए होगा ठीक है। फ्रैंकल दोष बोलो या फिर फ्रैंकल त्रुटि बोलो, या वही इच्छा, सब सब वही इच्छा ठीक है। अब देखो यहां पे माइनस चार्ज जो था पॉजिटिव चार्ज के साथ एकदम बॉन्ड बना के है, क्या करेगा? एकदम बॉन्ड बना के, एकदम दोस्ती बना के है दोनों साथ साथ। अब दोनों साथ साथ जब है तो भैया ये जो प्लस चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, सीएल के निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्या कर रहा है भैया? सीएल के निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है? धनायन अपने स्थान छोड़कर अंतरकाशीय रिक्तियों में चला जाता है ठीक है। देखो यहां पर देखो जो पॉजिटिव चार्ज जो होगा ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है अपना जगह छोड़ के ठीक है, अपना जगह छोड़ के कहीं और चला जाएगा, कहीं और मतलब क्रिस्टल के अंदर ही आ जाएगा। क्या बोलेगा बच्चा? क्रिस्टल के अंदर इस तरीके से जो है आ जाएगा। और ये जो जिन जगहों पे आएगा उसी को बोलेंगे बेटा अपन अंतरकाशीय रिक्ति, अंतरकाशीय रिक्ति, अंतरकाशी रिक्ति, अंतरकाशी स्थान कुछ भी बोल सकते हो ठीक है, अंतरकाशी स्थान, अंतरकाशी रिक्ति कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपनी जगह छोड़ के इस अंतरकाशी रिक्तियों में आ जाता है ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है अपनी जगह छोड़ के अंतरकाशी रिक्तियों में चला जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज भी अंतरकाशी रिक्तियां छोड़ के, सॉरी अपनी जगह छोड़ के अंतरकाशी रिक्तियों में चला जाता है। अंतरकाशी मतलब जो खाली की जगह बच रही है वो ठीक है, अंतरकाशी रिक्तियों में आ जाता है। अब इसी रिक्तियों से बच्चे जो हमको दोष उत्पन्न होता है ठीक है, दोष उत्पन्न हो जाता है उसी को बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा? फ्रैंकल दोष। क्या बोलेंगे? फ्रैंकल दोष। लिखते कैसे सर बता देते हैं बच्चे, सबर करो थोड़ा ठीक है। धनायन क्या करेंगे? अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय रिक्तियों में चला जाता है। धनायन बच्चे ठीक है, याद रखना धनायन जो होता है अपना स्थान छोड़ के अंतरकाशीय रिक्तियों में चला जाता है। क्लियर बात ठीक है। अब देखो अगर मैं घनत्व की बात कर दूं, भीड़ की बात कर दूं, भीड़ की मैं बात करूं तो समझो कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज जो है अपनी जो है क्रिस्टल से बाहर तो नहीं निकल रहा,
शॉर्टकी में क्या हो रहा था, बाहर निकल जा रहा था, लेकिन यहां पे बाहर नहीं निकल रहा, समझ आया? ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, ये जो प्लस चार्ज है इसी जो है क्रिस्टल के अंदर, इसी क्रिस्टल के अंदर रह तो रहा है, बाहर नहीं जा रहा, रह रहा है, मतलब इसमें भीड़ क्या हो रही है, बनी ही हुई है। भीड़ में कोई परिवर्तन हो रहा है? भीड़ ज्यादा आ रहा है क्या? नहीं। भीड़ कम हो जा रही है क्या? नहीं। भीड़ मतलब घनत्व की मैं बात कर रहा हूं। कोई बच्चे यहाँ पे कमेंट करने लग जाएंगे, सर क्या भीड़ बता दिया, मेरे को समझ ही नहीं आया कुछ। भीड़ मतलब घनत्व की बात कर रहा हूं बच्चे, ध्यान समझना, ठीक है? अगर देखो जो डी है, जो डी है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम बाई वी, यहाँ पे घनत्व क्या क्या बोल सकते हैं अपन, अरे बोल गया, हाँ द्रव्यमान, ठीक है द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान में कुछ कमी होगी क्या यहाँ पे? नहीं होगी सर। तो घनत्व में कुछ कमी होगी? बिल्कुल नहीं सर। मतलब हमको समझ आ गया कि जिसमें जो d है वो क्या होने वाली, नियत होने वाली। क्यों नियत होने वाली है? बिकॉज डेट भैया क्या होने वाला है, हमको m जो है नियत होगी, m ना तो बाहर कम होगा ना तो ज्यादा होगा, नियत रहेगी। इसीलिए क्या होगा बच्चा, हमारा जो द्रव्यमान सॉरी घनत्व है वो भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। सारे बच्चों को क्लियर है? अब ये ऐसे दोष जो बच्चे फ्रैंकल दोष किसमें होते हैं, कम जो है समन्वय संख्या वाले में पाया जाता है। कम मतलब भैया चार, कम मतलब चार जिसकी समन्वय संख्या होती है, ऐसे जो है तत्व या फिर यौगिकों के अंदर पाया जाता है। एग्जांपल बता दो सर, ये भैया ZnS, AgCl, AgI, ठीक है AgI, AgBr, वहां पे भी AgBr दिखा था आपको, ठीक है? आपको कोई बच्चे ने आपको नोटिस किया, ठीक है AgBr शॉर्टकी दोष में भी था, AgBr फ्रैंकल दोष में है। क्या मैंने गलत टाइप करके आ गया यहां पे, कुछ गलत कर दिए क्या यहाँ पे? नहीं बच्चे, मैं बताऊंगा AgBr कैसे, ठीक है? देखो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिससे क्या होता है बेटा, ना तो द्रव्यमान में बढ़ेगा और ना तो कमी होगी, जिससे घनत्व में बच्चे क्या होने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, सारे बच्चों को क्लियर है। अब AgBr के कंसेप्ट पे आते हैं, AgBr आखिर क्या बताता है, AgBr बच्चे, ठीक है AgBr हमारे क्या एक अपवाद है, क्या है एक अपवाद है, एक अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि ये ना बच्चा दोनों दोष जो है दिखाता है अपन को, फ्रैंकल दोष भी दिखाएगा और शॉर्टकी दोष भी, सॉरी शॉर्टकी दोष भी दिखाएगा और फ्रैंकल दोष भी दिखाएगा, दोनों दोष हमको दिखाने वाले हैं। इसलिए बच्चे आप लोग ना इस AgBr को स्टार बना दो, ठीक है? क्या बना दो सर? स्टार। ये लो भैया अपन बनाने का स्टार, आप लोग मत बनाओ भैया, अपन स्टार बना लेते हैं इधर, ठीक है स्टार बना दिए, अब समझ आया, ठीक है? अब देखो अपन इतनी सारी काम कर दिए, ठीक है हमको समझ आ गया शॉर्टकी दोष क्या होती है, फ्रैंकल दोष क्या होती है। अगर जिन बच्चों को इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए रहेंगे ना, वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, पीडीएफ वहां पे रखा होगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। सिंपल, मजा आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो अपन बात करेंगे भैया रस समीकरण मितीय दोष आखिर क्या होती है, रस समीकरण मितीय आखिर दोष क्या होती है। ऐसे दोष ना बच्चा, ठीक है ऐसे दोष जिसमें क्रिस्टल के समीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्या बोलेगा वहां पर क्या हो रहा था, जो शॉर्टकी दोष के अंदर एक माइनस चार्ज हो रहा था, ठीक है माइनस चार्ज निकल रहा था तो पॉजिटिव चार्ज भी निकल जा रही थी, मतलब क्रिस्टल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, क्रिस्टल में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा था, ठीक है अगर एक निकलता तो दिक्कत होती, ठीक है एक निकलता तो दिक्कत होती, जब दोनों निकल जाने तो क्या प्रॉब्लम भैया, किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार फ्रैंकल दोष में क्या हो रहा था, वो निकलना क्रिस्टल से बाहर नहीं निकल रहा था, वो अंतरकाशीय रिक्तियों में जाके बैठ जा रहा था, ठीक है अंतरकाशीय रिक्तियों में जाके बैठ जा रहा था, तो वहां पे भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो अपन क्या बोलेंगे भैया रस समीकरण मिति दोष में क्रिस्टल जालक की समीकरण मिति बनी रहती है, समीकरण मितीय बनी रहती है, मतलब धन आयन एवं ऋण आयन के अनुपात में ना तो कभी कोई कमी होती है, ना तो कोई कमी होती ना ही वृद्धि होती है, उसी को रस समीकरण मितीय बोलते हैं। क्लियर सारे बच्चों को? मजा आया, गजब। तो अभी के लिए बच्चे ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।